तो भाई लोग आज एक ऐसी सिनेमा घरों में मूवी रिलीज हुई है जिनके बारे में जितनी बात की जाए वो कम हो जाती है, क्योंकि भैया हम एसआरके ने एसआरके की मूवी पठान रिलीज हुई है। मैं किसी और मूवी का रिव्यू नहीं करने वाला था, लेकिन जब इस मूवी को मैंने देखा और भैया इस मूवी को देखने के बाद मेरा मन ये कहा था कि इस मूवी का रिव्यू तो आप लोग को 100% बताना है, और आप लोग को बताना है कि ऐसी मूवी रिलीज हुई है जिसको आप लोग एक बार जरूर देखना चाहिए। तो आज वो कौन सी मूवी है आप लोगों को पता चल गया होगा, क्योंकि मैं बात करने वाला हूँ राजकुमार संतोषी की मूवी गांधी गोडसे। अब ये जो मूवी है एक ऐसे कंटेंट वाली मूवी है जिसमें आप लोग को ऐसी ऐसी कहानी देखने को मिलती है जिसको देखने के बाद आप लोग काफी इमोशनल, काफी आप लोग ऐसे भावुक हो जाओगे, आप लोग कहोगे भैया ये क्या बना दिया। क्योंकि जब भी राजकुमार कभी भी एक मूवी लेकर आते हैं तो उनसे उम्मीदें हमारी बढ़ जाती हैं, क्योंकि हमको पता रहता है कि भैया जब भी राजकुमार लेकर आएंगे तो उनमें एक भरपूर कंटेंट हमको देखने को मिलता है। स्टोरी के मामले में आउटस्टैंडिंग होता है, क्योंकि ऐसे ऐसे टॉपिक लेकर आते हैं जिनको देखने के बाद काफी कुछ सीखने में, काफी कुछ जानने को मिलता है। लेकिन अगर मैं कहूं तो ये जो गांधी गोडसे मूवी है वो किस तरह की मूवी है, ये मूवी आप लोग क्यों देखनी चाहिए, वही मैं आप लोग आज बताने की पूरी कोशिश करने वाला हूं। क्योंकि आज आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस रिव्यू को बार बार शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि भैया सिनेमा घर में एक ऐसी मास्टरपीस मूवी रिलीज हुई है। तो सबसे पहले आज के इस रिव्यू को स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं सबसे पहले आप लोग यहाँ गांधी और गोडसे जो बातचीत देखने को मिलती है वो आप लोग इतनी अमेजिंग लगेगी, इतना आप लोग को कुछ जानने को मिलेगा जो आप लोग कहोगे यार ये क्या बना दियो। राजकुमार को आप लोग खड़कर सलूट करने की कोशिश करोगे, ऐसी कुछ आप लोग को यहाँ चीजें देखने को मिलती हैं, ऐसे एलिमेंट, ऐसे मोमेंट, ऐसे सीन्स जो शूट किए गए, ऐसे बनाए गए, और स्क्रिप्ट राइटर को मैं सलाम करना चाहता हूँ, क्या लाइन लिखी, क्या डायलॉग लिखे, उफ नंबर की। और जिस तरीके से वो गांधी जी एक गाड़ी से निकलते हैं जो बोलते हैं कि मुसलमान हमारे भाई हैं, वो आप लोग जब सीन देखोगे तो आप लोग आंसू निकल आएंगे, आप लोग कहोगे कि क्या शूट किए गए, एक एक आप लोग इमोशन के साथ इस सीन को खेला गया है, जो आप लोग काफी कन्वर्ट हो जाओगे, आप लोग कहोगे कि यार ये मूवी एक नंबर की मूवी है। तो इसी तरह के कॉन्टेंट जो है वो बार बार हमको देखने को नहीं मिलते, तो हम उम्मीदें काफी लगा लेते हैं कि यार ऐसे अच्छे कॉन्टेंट कब देखने को मिलेंगे। जब आते हैं तो उनके साथ बड़ी बड़ी मूवी रिलीज होती है तो उनको स्क्रीन नहीं मिल पाती। तो मैं आप लोग यही बताना चाहता हूँ कि ये मूवी की जो रिलीज डेट है वो बहुत गलत रखी गई है। अगर इस मूवी को एक वीक पहले या दो वीक बाद में रिलीज किया जाता तो लोगों को भैया ऑडियंस जो है लोग इसमें कन्वर्ट हो जाते, लोग देखे जाते 100% इस मूवी को सिनेमा घरों में। क्योंकि अब जो है पठान मूवी रिलीज हुई है, एक बड़ा स्टारडम, एक बड़ा नाम, एक बड़ा ब्रांड जिसको देखने के लिए लोग कई सालों से वेट कर रहे थे। अब पठान मूवी का जो पहले दिन का रिस्पॉन्स आप लोग देख रहे हो, दूसरे दिन का रिस्पॉन्स आप लोग देख रहे हो, तो एक मंथ तक इस मूवी को भैया कोई हटा नहीं पाएगा, ये बात आप लोग मान लो। अगर मैं कहूँ जहाँ गांधी गोडसे एक ऐसी मूवी है, एक ऐसी टॉपिक की मूवी है जिसको भैया हर कोई जानना चाहिए, हर कोई देखनी चाहिए, क्योंकि उसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि इस मूवी को पहले थोड़ा रिलीज करते हैं तो काफ़ी चल जाती मूवी और काफ़ी ब्लॉकबस्टर बन जाती है, मैं मानता हूँ। लेकिन आज जो रिएक्शन मैं देख रहा हूँ लोगों के, जो मौके पर देख रहा था, तो लोग भैया काफ़ी कम थे। अगर मैं कहूँ तो जहाँ 100% अगर बात की जाए तो वहाँ 10% लोग थे, तो इसलिए आप पता लगा सकते हो कि ये मूवी क्या ग्रोथ कर पाएगी। लेकिन खैर, सबसे पहले ये मूवी आप लोग इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि जिस तरीके से इस मूवी को बनाया गया, जिस तरीके, खैर आप लोग बताएं आप लोग का क्या इरादा है, आप लोग इस मूवी को देखोगे नहीं देखोगे, आप लोग